भगवान स्वर्ग पर राज करते हैं, शैतान नरक में जलते हैं और इंसान धरती पर रहते हैं। अपने पापों की सजा भुगतते हुए तीनों लोग कर्म के नियमों का पालन करते हैं। डार्क क्रिस्टल में शैतानों की काली शक्तियां बसती हैं। हर सदी में एक बार पूनम की रात हर जीव पुनर्जन्म लेकर लोक बदल सकता है। इस सदी का वो दिन आने ही वाला है और नरक में हलचल मची है। हू राज्य पर शैतानों का साया मंडरा रहा है। माना उनकी आबादी कम है पर उन्हें तैयार रहना होगा। क्या कोई है जो उनके शहर की रक्षा करेगा? मैं हू राज्य को शैतानों से बचाऊंगा। लिया।
सोर्ड ऑफ वो किसके पास थी? उसका चेहरा नहीं देख पाई, बस एक सुनहरी रोशनी दिखी। सुनहरी रोशनी थी क्या? वो कोई भगवान था? भगवान अब नहीं आ सकते। मैं क्रिस्टल वापस ले आऊंगी। अब तुम्हें मेरे एहसानों का कर्ज चुकाना होगा, मेरी सुनो गर्ल। सात आत्माएं होती है, जिंदगी ना हो तो आत्मा नहीं होती। बिना आत्मा के आप जी नहीं सकते। रूह इन सात आत्माओं की जड़ें हैं और ये सात आत्माएं रूह की डालियां और पत्तियां हैं। तो आइए देखते हैं। ये दरअसल शरीर के सात चक्र हैं जो सर से लेकर पैर तक होते हैं, जहां प्राण शक्ति बसती है। कई दफा ऐसा क्यों होता है कि हम थके हुए, हारे हुए, निराश क्यों महसूस करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने दोस्त। मैंने तो नहीं पूछा। हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पूछा। अरे शर्माओ मत, आओ आओ। ये दरअसल संकेत है कि आपकी आत्मा कमजोर हो रही है। मैंने कुछ नहीं पूछा। और अब ये जानना चाहता है कि वो सात आत्माएं कौन सी है। वो है बुद्धि, ऊर्जा, शक्ति, तुम्हारा बड़ा पेट, बल और है इंसान की सात आत्माएं। अगर तीन कमजोर हो गई तो जान जा सकती है। हालात भी ठीक नहीं चल रहे इन दिनों, हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा। तो आप क्या करेंगे अगर कोई शैतान आपकी आत्मा चुरा ले? घबराइए नहीं। आत्मा रक्षण काढ़ा मेरे परिवार का खास काढ़ा, मेरे दादा के दादा ने बनाया था। 300 जड़ी बूटियां, 300 जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया है। आपकी आत्मा की रक्षा करेगा। सिर्फ एक घूंट काफी। क्या वाकई काम करता है? हाँ बिल्कुल। आओ मेरी बीवी को बच्चा नहीं होता, देखो उसमें क्या कमी है। अभी अभी काफी भीड़ है मेरे भाई, हम फिर कभी देख लेते हैं। अभी जांच करो। मेरी जांच क्यों कर रहे हो भाई? आपकी चिंबू मेरा। मुझे पता था कमी मुझ में नहीं है। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे जांच करने कहा, मैंने कहा था पर तुमने जबरदस्ती की। हटो हटो, रुक जाओ। तुम कौन हो? जोंग लिंग। मेरी बीवी। चुप करो, आज नहीं तो कल बन जाओगी। बेवकूफ। हाथों ध्यान से सुनो, मैं इसे पीट सकती हूँ, तुम इसे छू भी नहीं सकते। जोंगलिंग, तुम्हारा भाई वापस आ गया। भैया आ गए, चलो। वो डार्क क्रिस्टल। भैया भैया, आज कौन सा शैतान था? मास्टर मास्टर, लो ये पवित्र पानी पी लो, ताकत वापस आ जाएगी। सोंकुए, डार्क क्रिस्टल में समाई है हमारे हू राज्य के मासूम लोगों की आत्माएं। 7 दिनों बाद हम सबको बचा लेंगे। इसका मतलब मेरे भैया का काम पूरा हो गया? अभी हमारी दशा नाजुक है, नर्क के शैतान एक मिनट भी शांत नहीं रहेंगे। हमें डार्क क्रिस्टल उनसे बचाना होगा, हू राज्य की सुरक्षा इस पर निर्भर है। मास्टर, भैया को उनसे दूर ही रखिए, अगर इन्हें कुछ हो गया शैतानों ने कुछ। मास्टर, मेरी बहन सही कह रही है, वो शैतान शक्तिशाली हैं, हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पर आपने एक बार कहा था आपके पास शैतानों से लड़ने की एक खास तकनीक है, और सही वक्त पर आप मुझे सिखाएंगे। क्या यही सही वक्त है?
क्या तुम्हारे अंदर ताकत बची है? नहीं। हाँ बिल्कुल। तुमने नर्क में जाकर डार्क क्रिस्टल चुराने की हिम्मत की और उसी के साथ तुमने मेरा भरोसा जीत लिया। ज़ोंग क्वे, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम भगवानों के चुने हुए योद्धा हो। मास्टर, आपकी सिखाई हर चीज मेरे लिए अनमोल है। पर तुमने अब तक अपनी पूरी काबिलियत को नहीं पहचाना, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। पकड़ो इसे। रात 7 दिन बाद है। डार्क क्रिस्टल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ज़ोंग क्वे, मैं तुम्हें एक बड़ी शक्ति देने वाला हूं। यह वही पौराणिक जादुई पंखा है और यह प्राचीन प्राणियों की देन है। जब कोई इंसान एक दैविक शस्त्र इस्तेमाल करता है तो उसकी ऊर्जा से इंसान को भी नुकसान पहुंच सकता है। क्या तुम ये दर्द सह पाओगे? मास्टर, मैं सह लूंगा। मुझे बस एक मौका दीजिए, उन्हें ना हराने का दर्द इस दर्द से ज्यादा होगा। बहुत से रूप।
ज़ोंकुए, जब कभी तुम ये पंखा खोलोगे तुम्हारे अंदर का शैतान जाग जाएगा। जितने ताकतवर महसूस करोगे उतना ही ध्यान रखना होगा। शैतान तुम पर हावी होकर तुम्हें अंधेरे की राह पर ले जा सकता है। याद रखो, इस पंखे को किसी के सामने मत खोलना। तुम्हें इस रूप में देखकर वो तुम्हें शैतान समझ बैठेंगे। पूरा इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग पर काबू करना होगा। जब तुम्हारा मन काबू में होगा तो तुम ये दर्द सहकर ताकत हासिल कर लोगे। ऊर्जा को शांत करो। से अपनी तलवार निकालो, वो तुम्हारी पीठ पर है। पवित्र पानी पी लो, दर्द सहने में आसानी होगी। शैतानों का खात्मा करने से पहले अपने अंदर के शैतान को मारना होगा। तुम इंसान शैतानों से नहीं जीत सकते। आज आप सब जीते हैं और वो शैतान हारे हैं। द क्रिस्टल अब आपकी अमानत है और ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। 7 दिनों में पूनम की रात होगी और आपकी आत्माएं आपके पास लौट आएंगी। शैतान हार मान लेंगे और हूर राज्य की शांति अमर रहेगी। इन 7 दिनों में शैतान इस डार्क क्रिस्टल को वापस पाने की हर कोशिश करेंगे। अगर आप सब एक साथ लड़ेंगे तो आप सब महान बन जाएंगे। मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। इन शैतानों को हम रोक कर दिखाएंगे। मास्टर जाएंगे, बताइए वापस करेंगे। शैतानों को हम देखकर गवाह रखेंगे।
अति सुंदर। ये लड़की मेरी मुंह पर आई है, बहुत चाय लगा सकती है। तुम्हारे कागजात कहाँ हैं? राजधानी से टैंग शहर जाने का अनुमति पत्र है। तुम कहाँ से हो? लॉलैंड से। कब निकले थे वहाँ से? 2 महीने पहले। ज़ोंग कुई की अनुमति के बिना कोई शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम अंदर नहीं जा सकते, तलाशी लो इनकी। सब लोग बाहर आ जाओ, जल्दी करो। रुक जाओ, पहले मैं छानबीन करूंगा। सुनिए, पीछे मुड़िए। स्नो गर्ल? मैं स्नो गर्ल हूं, पश्चिम से आई हूं। क्या हम अंदर जाएं? हाँ, जाओ। पश्चिम की सारी लड़कियों के हाथ इतने ही ठंडे होते हैं क्या? जाने दो, जाने दो इन्हें। कल कार्यक्रम देखने जरूर आइए। आपने ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं देखा होगा। भूलना मत, कल शाम सभी को आना है। ए, चलो आडम, चलो चलो। क्या इसमें? इधर आ, इधर आ, खोलो इसे। तुम्हारे उस बोरे में क्या है? हाथी हाथी है। ये क्या है? ये क्या है? चलो बगैर बगैर यहाँ। सुनो, पिछले 3 साल से तुम कहाँ थी? मैं आपको नहीं जानती। मैं ज़ोंग कुई हूँ। दाढ़ी बढ़ गई है बस, और मैं शैतानों को मारता हूँ। शैतानों को मारते हैं? आपको उसमें मजा आता है? उन्हें मारो या खुद मरो, लगता है तुम वो नहीं हो। मैं इस शहर में पहली बार आई हूँ। क्या बात है दीदी? ज़ोंग कुई आपसे क्या पूछ रहा था? बंद करो। नहीं, मैं तो आकर मेरी मदद करो। अभी तो कुछ और देर घूरना था। मेरी आत्मा और रूह सब तुम्हारे पास ही तो है। तुम और तुम्हारी बातें। सुना है पश्चिम से कुछ सुंदर लड़कियां शहर आई हैं। इतनी खूबसूरत है, सबको शैतान लग रही हैं। वो तो बहुत खूबसूरत है। तुम वहां गए थे? मैं नहीं। हाँ, वो दरअसल दोस्तों ने कहा कि वहाँ ढेर सारी सुंदर लड़कियां हैं, तो बस देखने रुक गया, बस एक झलक।
अच्छा सुंदर थी। भाई आ गए। हो जाएगी। शांत रहना है तो सो जाओ। नाराजगी है तो सामने आओ। मेरा मंत्र सुनो। धरती और स्वर्ग मेरे हो जाएं। हर नदी और पहाड़ तक मेरी आवाज गूंजे। आत्मा का अस्तित्व सामने लाओ। दिन के लिए माफी चाहता हूं, पर मैं ज़ोंग क्वी सच्चा हूं और मोह माया से मुक्त हूं। मैं ऐशो आराम और शारीरिक संबंधों से खुद को दूर रखता हूं। मेरा सिर्फ एक मकसद है, टैंग साम्राज्य की महानता में अपना योगदान देना। कीजिए, मैंने आग नहीं जलाई। टैंग साम्राज्य में अपना योगदान देने के लिए आप पढ़ रहे हैं ना? आपको कैसे पता? क्या आपने ये सारी किताबें पढ़ी हैं? The Duke of Bo, Chapter 6। इरादा पक्का होना चाहिए क्योंकि रास्ता लंबा और कठिन है। अगर इरादा ना हो तो मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। अंत तक हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि सफर लंबा हो या ना हो बड़ा होता है। सन सूज आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध के समय मौत का डर नहीं दिखाना चाहिए। दुश्मनों की भूमि पर लड़ते वक्त भीतर जाना चाहिए ताकि सेना का ध्यान बना रहे। किनारे पर ही रहे तो सेना कभी नहीं जीत पाएगी।
इसलिए युद्ध शास्त्र में किताबी कीड़ा होना जरूरी है। द बुक ऑफ राइट्स, प्यार की परीक्षा, सच्चे प्यार का इंतजार करना, क्या सही है? क्या सच में ऐसा ही लिखा है? क्या ये सही नहीं? मैं सोच रहा था ये जानी पहचानी क्यों लग रही है। कल मैंने जिसको देखा था वो बिल्कुल इस पेंटिंग में जो लड़की है उसकी तरह दिखती है। सच कह रहे हो? झूठ क्यों बोलूंगा। मैं कल स्वर्ग में लौट जाऊंगा। शैतान आखिरी दम तक डार्क क्रिस्टल पाने की कोशिश करेंगे। किरीन तुम्हारी मदद करेगा। ज़ोंग कुई, तुम्हें डार्क क्रिस्टल की रक्षा करनी होगी हर कीमत पर। हमारे अगले हजार सालों की किस्मत। क्या तुम सब तैयार हो? कब से ये जिंदगी जी रहे हो? 600 सालों से? और तुम 900 सालों से? और तुम हजार सालों से शैतान हो ना? अगर हम कामयाब नहीं हुए तो हमें नर्क की आग में हजार साल जलना होगा। उस आग को तो किसी तरह झेल लेंगे, पर डर है उम्मीद खत्म हो जाने का। मेरी आज्ञा के बिना रूप मत बदलना। हमें कल रात पूरी कोशिश करनी होगी, लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए, खासकर उस ज़ोंग कुई को। मुझे शराब पीनी है, कौन रोकेगा मुझे? वो
शैतानों की बनी शराब पीनी है। पता था, इसलिए अपनी लेकर आया हूँ। एक जाम मेरा नाम पीलो ना जाने बने घूट। मैं पीऊंगी। इतनी ठंड क्यों हो गई? मौसम बदल रहा है, ठंड आने वाली है। अफवाह है कि शैतान आ चुके हैं हू राज्य को तबाह करने। क्या आपने सुना है? अच्छा, मजा आने वाला है। आप शैतानों को कैसे पहचानते हैं? आंखों से। मैं उनकी आंखों में घूरता हूँ और सच पता चल जाता है। तो आमतौर पर शैतान कैसे दिखते हैं? ज्यादातर शैतान लड़कियों का रूप धारण करते हैं। क्या आप किसी शैतान को बख्श सकते हैं? कल हमारा कार्यक्रम देखने जरूर आइए। ओ, निर्भर करता है शैतान कौन है। स्नूकर, अगर वो कल नहीं आया तो वो जरूर आएगा। सच्चे प्यार की परीक्षा, सच्चे प्यार का इंतजार करना, क्या ये सही है? इंसान को प्यार के जाल में फंसाते वक्त खुद प्यार के जाल में मत फंस जाना। नीले आसमान के नीचे ज़ोंग कुई और स्नोकल साथ है। ऊपर वाला साक्षी है, रिश्ता होगा स्वर्ग और धरती जैसा। स्वर्ग और धरती? पर मैं कोई परी नहीं हूं। तुम हो मेरी स्नोकल। अगर मैं शैतान होती तब भी तुम मुझसे प्यार करते? अगर मैं शैतान से प्यार करता तो मेरी आत्मा मेरे साथ नहीं होती। क्या शैतानों को सच्चा प्यार भी नसीब नहीं हो सकता? इंसान और शैतान अलग है, हमेशा थे और रहेंगे। इंसान उसे बुरा कोई नहीं हो सकता।
एक वो चीज है जो आपके पास है पर वो आपके नहीं है। अपनी इच्छा बताइए, क्या चाहते हैं आप? पैसे, ढेर सारे पैसे, पैसों से मैं जो चाहूँ खरीद सकता हूँ। तो ठीक है, पर इसे असलियत मत समझना। विद्यालय के बरामदे में मिलो स्नो। Thank you.
चलो वो इस तरफ गए हैं। इसे वापस नर्क ले जाओ। तुम साथ नहीं चल रहे, पहले तुम जाओ। जाओ यहां से। शैतान शहर में आ गए डार्क क्रिस्टल के लिए। तुमने उन्हें मार दिया? तुम वो नहीं हो जिससे मैं मिला था, और मैं भी वो ज़ोंग क्वी नहीं हूं। तुम शैतान हो। मुझे मारने वाले हो? तुम्हारा भाई उसे यहां क्यों छोड़ गया? वो इससे प्यार करते हैं। क्या मुझे ढूंढ रहे हो? तुम्हारी तलवार गिर गई। तुम अपना जादू मत चलाओ, इसे डराने की कोशिश मत करो। वैसे मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मुझे पता है तुम कौन हो। भैया के कमरे में तुम्हारी तस्वीर है। तुम स्नो गर्ल हो ना? 3 साल पहले तुम बिना बताए चली गई। जानती हो मेरे भैया को तुम्हारी कितनी याद आती थी? तुम्हारी याद में हर रात आंगन में शराब पीकर सो जाते, और सुबह उठते तो बर्फ से ढके होते। वो जिंदा तो थे पर उनमें जान नहीं होती थी। क्यों छोड़ कर गई तुम उन्हें? उन सारी लड़कियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चलो, निकलते हैं। कल रात इस मंदिर में एक घमासान युद्ध हुआ था। शैतान डार्क क्रिस्टल चुराने की फिराक में थे, पर वो नाकामयाब रहे। डार्क क्रिस्टल अभी भी हमारा है, वैसे ही जैसे तुम भी मेरी। पर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। बचे हुए कुछ दिनों में हमें एक साथ शैतानों का सामना करना होगा, ताकि डार्क क्रिस्टल उनके हाथ न लगे, और 3 दिनों बाद हमारे शहर में शांति होगी। ऐसा ही होना चाहिए था। आप जानते हैं ये कौन?
हाँ, इसे हमने कार्यक्रम में देखा था। शैतान, मारो इन्हें। इन्हें भी मार दो। यहां एक और शैतान है। ये सब क्या हो रहा है? वो स्नोगल है ना? ये एक बर्फीली शैतान है। शैतान कोई भी तरह का क्यों ना हो, अगर हमारे शहर में आने की जुर्रत की तो उनका अंत निश्चित है। ज़ोंग कुई, अब तुम्हारी बारी। इसे बख्श दीजिए। ठीक है, क्रिस्टल की रक्षा करो, मेरे साथ आओ।
अच्छा हुआ। जोंकुए, अपनी पूरी क्षमता इन्हें दिखाओ, भू राज्य को शैतानों से बचाओ। वो काला शैतान जोंकुए ही था। हिम्मत कैसे हुई दुश्मनों से हाथ मिलाने की? क्या तुम कुछ नहीं सीखे? जाओ उस बर्फीली शैतान को मार दो। Yeah.
बाहर जाओ। पवित्र पानी है जैंग, तुम्हें ये पवित्र पानी हर दूसरे दिन पिलाता है ताकि तुम्हारी रूह तुम्हारा शरीर छोड़कर ना चली जाए, समझ रहे हो ना? तुम पियो इसे। स्नूगर, इसे नर्क ले जाओ, मास्टर इसे सब कुछ समझा देंगे। मैंने सुना ज़ोंग कोई ने शैतानों को छोड़ दिया और वहां से खुद भी भाग गए। शैतान तो आखिर शैतान ही है, लॉर्ड ज़ोंग भी अपने आप को रोक नहीं पाए। इजाजत के बिना कोई भी शहर में नहीं आ सकता। शैतान सिख नहीं, सच को मंदिरों से तरक की जाए। क्या कर रहे हो तुम? भैया, ये आपको क्या हुआ? सुनो,
कर्फ्यू रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कोई घर से बाहर ना निकले, इजाजत के बिना कोई भी नहीं सकता। दिखते ही सैनिकों को तुरंत इतला की जाए। जरा देखो मुझे क्या हुआ है। आपकी रूह तो ठीक है, पर क्या बात है डूपे, आपकी धड़कन रुक चुकी है, भैया आप अपने प्राण गंवा चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हो, झूठ मत बोलो, भैया मर नहीं सकते, वो यही है ना तुम्हारे सामने, झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे मरने के बाद क्या हुआ था, मैं वापस कैसे आया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं रोए जा रही थी, मुझे लगा आप हमें छोड़कर चले गए। और फिर मास्टर जैंग आपको वापस लाए। वो है तो भगवान ही ना, आपको देखकर लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो, आपके सर पे चोट के निशान भी नहीं लगे थे। मुझे नर्क जाना होगा ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। मैं भी चलूंगी। ज़ोंग कुई तुम आ गए।
इंसानों और शैतानों के बीच में प्यार कभी नहीं हो सकता, और तुम सुनोगर दोनों से प्यार कर बैठी। नहीं रुक जाओ, नर्क का कोई भविष्य नहीं, छोड़ दो उसे। ज़ोंग कुई, तुम इस साम्राज्य के सबसे के विद्वान बनना चाहते थे, पर तुम्हें फंसाया गया और तुम्हारी मौत हो गई। बिना आत्मा के शरीर को ज़ेंग ने जीवन दिया और तुम्हें डार्क क्रिस्टल चुराने के लिए जिंदा रखा गया। ये झूठ है। ये तुम्हारा हथियार है ना? सिर्फ शैतान नर्क में आ सकते हैं, भगवान भी नहीं आ सकते। अगर तुम एक शैतान नहीं हो तो भला 10 फुट लंबे कैसे हो जाते हो? ज़ोंग कुई, तुम एक शैतान हो। मैं शैतान नहीं हूं। असली रूप है। तुम सच्चाई जानना चाहते हो ना? तो देखो सच्चाई। इस सदी का पुनर्जन्म दिवस नजदीक है, क्या तुम भगवान बनने के लिए तैयार हो? मैंने पुनर्जन्म की सारी विधियां निभाई हैं। तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, तुम डार्क क्रिस्टल को जगा नहीं पाओगे। हालांकि तुम इंसानों की आत्माएं चुराकर खुद को ताकतवर बना सकते हो। डार्क क्रिस्टल को जगाने का यही एक उपाय है। पर ये तो स्वर्ग के नियमों के खिलाफ है ना? पर मुझसे रहा नहीं गया। डार्क क्रिस्टल की शक्तियां तेजी से बढ़ने लगी, पर जब मैंने तुम्हें खून देखा तब मैं समझ गया सच्चाई क्या है। मास्टर डार्क क्रिस्टल के साथ क्या करने वाले हैं? अब वो तीनों लोग की सबसे शक्तिशाली चीज बन चुकी है। अगर ज़ेंग ने उसे जगा दिया तबाही मच जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। मैं खुद का इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, मैं शैतान नहीं हूं। मैंने जिन लोगों की आत्मा चुराई वो मासूम थे, पर मासूम तो यहां के शैतान भी हैं। मेरे नियम तोड़े हैं, मुझे सजा मिलेगी। स्नोगल की गलती क्या है? अगर डार्क क्रिस्टल को कर जगाया गया वो भस्म हो जाएगी, या ये सजा उसके लिए ठीक है? क्या हम एक जैसे नहीं दिखते हैं? तुम मेरे जैसे नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारे जैसा। हम सबकी किस्मत अलग है। अगर तुम मेरी ताकत अपने अंदर समा सको, तुम ज़ेंडोक सैन को रोक सकते हो। सिर्फ तुम इस दुनिया का सर्वनाश रोक सकते हो और शांति बनाए रख सकते हो।
शैन डाउक्सियान डार्क क्रिस्टल की शक्ति से तबाही मचा देगा। कल ओनम की रात इंसानों और शैतानों के लिए आखिरी रात हो सकती है। डार्क क्रिस्टल में हमारे पाप और पुण्य का हिसाब है। हजार सालों में एक बार हमारे पास मौका होता है अपने सारे पापों का प्रायश्चित करके एक नया जन्म लेने का। कुछ भगवान बनते हैं, कुछ शैतान रह जाते हैं। कौन क्या बनेगा ये फैसला है डार्क क्रिस्टल का। मैं शैतानों को मारता हूं, तुम्हारी जात को मारना मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी दुनिया को कैसे बचा सकता हूं? मास्टर जैंक, आप डार्क क्रिस्टल के साथ क्या कर रहे हैं? ओ, तुम्हें पवित्र पानी मिल गया। ओ, नर्क में गए थे क्या? नर्क के राजा कैसे हैं? जो उसने कहा क्या वो सच है? तुम यहां सही वक्त पर आए हो। आओ, कल पूनम की रात है, हमारे सारे आदरणीय मेहमान कल यहां होंगे। आओ, तुम्हारी पहचान करा दूं। यहां बैठेंगे स्वर्ग के राजा दी, इनका बेटा निज्जा छोटी उम्र में ही बड़ा विद्वान बन चुका है। ये है अवलोकितेश्वर, बड़े दयालु हैं, ये हमें मुक्ति दिलाएंगे। ये है स्वर्ग की महारानी, पश्चिम के महान कुमलुन पहाड़ों में रहने वाली जादूगर। और यहां बैठे हैं जेड एम्परर, जो यहां सदियों से विराजमान है। इतनी महान हस्तियां, क्या लगता है मुझे कहां बैठना चाहिए? ज़ोंग क्वे, मुझे तुमसे शुक्रिया कहना चाहिए, तुमने मेरे लिए डार्क क्रिस्टल जो चुराया। कल जब आधी रात होगी मैं बन जाऊंगा तीनों लोकों में सबसे ज्यादा ताकतवर, और उस रात के बाद इस राजगद्दी पर सिर्फ मेरा हक होगा। इसका मतलब है आपने जो भी मुझसे पहले कहा था वो सब झूठ था? एक कहानी महान तभी होती है जब लोग उसे सच समझ बैठे। जरा सोचो, भगवानों को कौन पूजता अगर धरती पर अमन और शांति होती? न लालच न जरूरत है, इंसानों में लालच है इसीलिए तो वो भक्त बनते हैं, और जब दिलों में डर होता है तो उन्हें भक्त बनना पड़ता है। आप एक देवता है, आपको किस चीज की कामना है? क्या तुम कभी स्वर्ग गए हो? तुम नहीं जानते वहां मुझसे भी बड़े भगवान हैं, पर मैं क्यों अपने आप को उनसे छोटा मानूं? मैं क्यों उनके तलवे चाटूं? मुझे आज तक जेड एम्परर के महल में जाने का मौका भी नहीं मिला। सब भगवान बनना चाहते हैं, पर उसके बाद क्या? हाँ, जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं मैं अपने आप से कहता हूं एक दिन मैं सब कुछ बदल दूंगा। शैतानों के राजा ने आपके लिए आत्माएं चुराई और मैंने आपके लिए डार्क क्रिस्टल चुराया। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, शैतानों और इंसानों पर जुल्म किया गया, और ये सब आपने किया अपने निजी स्वार्थ के लिए। मैं राज्य के निवासियों को सब सच बताऊंगा। और तुम्हारा यकीन कौन करेगा? ज़ोंग क्वे, तुम मेरे शतरंज के खेल के एक प्यादे हो, तुम कुछ नहीं हो। तब तुम पुनर्जन्म नहीं ले पाए क्योंकि तुम में गुस्सा भरा था। वो तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं थी, मैंने तुमसे और भी झूठ बोले। तुम्हारी आत्मा नहीं है, तुम्हारी रूह तुम्हारे अंदर रखने वाला मैं ही हूं। जब डार्क क्रिस्टल को जगाया जाएगा, इंसानों की आत्मा उनसे अलग हो जाएगी,
धरती पर सिर्फ मुर्दों का निवास होगा। ये इस सदी का सबसे बड़ा जुर्म होगा और मुझे तुम्हारा साथी माना जाएगा। महानता हासिल करनी है तो बलिदान तो देना ही पड़ता है। तुम वाकई मेरे दुश्मन बनना चाहते हो? मैं इस दिन का हजार सालों से इंतजार कर रहा हूं। एक दिन बाकी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सबसे बड़े शैतान तुम हो। जाओ यहां से ज़ोंग कुई, तुम मेरे शिष्य नहीं रहे। छोड़ेंगे मेरे भैया को, अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से। हम सब आज रात का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी खोई हुई आत्माएं लौट आएंगी, नरक का विनाश होगा और धरती पर शांति होगी। लेकिन ये सरासर झूठ है। ये ज़ैंग दाउशियान की साजिश है। जहर मत उगलो ज़ोंग कुई, तुम हमें हमला करने पर मजबूर मत करो। ये गलत है भैया, हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। ये वो पल है जिसका ज़ैंग दाउशियान को बेसब्री से इंतजार था। आज रात वो हमारी आत्माएं ले लेंगे और हु राज्य एक कब्रिस्तान बन जाएगा। और मेरी बात को गौर से सुनो, हम सब शैतान बन जाएंगे। उसके आगे मत झुको, डूबेंगे। उठ जाओ, इसके सामने कोई नहीं झुकेगा, कोई नहीं झुकेगा। उठो, मैं कहता हूं उठो। ये एक शैतान है, इसने हमसे सिर्फ झूठ ही बोले हैं। हमारी आत्माओं की इसे परवाह नहीं है। याद रखना, आज रात होते ही तुम सब शैतान बन जाओगे। इस पर यकीन है? सब सुनिए, ज़ोंग कुई को गौर से देखिए, जरा देखिए उसे। ज़ोंग कुई, इस इंसान की शरीर में तुम्हारा दम नहीं घुटता। तुम हम सबको तुम्हारा असली रूप क्यों नहीं बताते? मास्टर की रक्षा करो। ज़ोंग कुई, किसका इंतजार है? अपना असली रूप पेश करो, शैतान बनकर हम सब पर हमला करो। तुम शैतान हो। Yeah!
शैतान बन गया है। वो शैतान नहीं है, वो मेरे भैया है। खत्म करो उसे। वो कठपुतली हूं जिसे जहन ने अपनी उंगलियों पर नचाया। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वापस जाकर लड़ना चाहते हो? आज रात अंतिम युद्ध होगा। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुनहरी रोशनी को साक्षी मानते हुए अदृश्यता और शक्ति
जो धरती और स्वर्ग के नियम तय करते हैं। सबकी आत्माओं को शरीर से आजाद करें, सबकी आत्माओं को शरीर से आजाद करें, सबकी आत्माओं को शरीर से आजाद करें। तुम्हें किस पर यकीन है? मुझे दाल में कुछ काला लगा। शैतान और राक्षस डर से कांपने लगे। तुम आ गई। डार्क क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो। बेहुदा शैतान, तुम कोई भगवान नहीं हो। धोखा देते हो और तबाही मचाते हो। सोम कोई को सिर्फ अपने फायदे के लिए जिंदा रखा। तुम भगवान बनने के लायक नहीं। तुम नहीं बचोगे।
सारे शैतान डर से कांपने लगेंगे। मैंने उसे कैद कर दिया है, अब कोई भी चीज तुम्हारा ध्यान नहीं भटकाएगी। एक महान योद्धा शैतान के जाल में फंस गया, मुझे इस बात का अफसोस है। प्यार, क्या वो इतना ताकतवर है? Thank you.
बचा लिया। हमें बचाने के लिए शुक्रिया जो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैतान का रूप तुम्हारा असली रूप नहीं है। जाओ पुनर्जन्म, स्वर्ग को तुम्हारी जरूरत है। सोमपुर